अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डीसी पावर सप्लाई मशीन है, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई मशीन। इसमें क्या है, ये जो नॉब देख रहे हैं यहाँ पे, 1.5 वोल्ट, 3.6 वोल्ट, 4.8 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस तरह से। तो इस मशीन का यूज़ बहुत सारे कामों में किया जाता है। एक तरह की डीसी सप्लाई आउट करती है, रेगुलेटेड है, आप जितना चाहें ज़रूरत के अनुसार यहाँ सारे के ये रोटरी स्विच लगे हुए, आप देख के जितना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज इसका यूज़ जो है हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग के लिए करेंगे। आमतौर पे टेक्नीशियन लोग क्या करते हैं कि इसे बस मोबाइल ऑन है या नहीं ये चेक करने का जरिया मानते हैं, मतलब बिना बैटरी के मोबाइल ऑन करने का बस एक साधन मानते हैं। लेकिन अगर इसे सही से यूज करें तो इससे काफ़ी कुछ फॉल्ट पता चल जाएगा मोबाइल के बारे में, मतलब कि सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है या हार्डवेयर का फॉल्ट है, अगर हार्डवेयर का भी फॉल्ट है तो किधर से फॉल्ट है, काफ़ी कुछ अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है केवल मोबाइल बिना बैटरी के मोबाइल ऑन करने के लिए ना करके, अगर किसी और भी काम के लिए करेंगे, सेट का फॉल्ट ढूंढने के लिए करेंगे, तो निश्चित आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, रिपेयरिंग करना आसान होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि मोबाइल ऑन होने के लिए मिनिमम 3.6 या 7 वोल्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये सैमसंग का फ़ोन है, ये हमने रिसीव किया है, ये डेड फॉल्ट में है। ठीक है, तो चेक करते हैं इस मशीन की सहायता से कि इसमें क्या गड़बड़ी हो सकता है। आमतौर पर कोई डेड में हम लोग शॉर्टिंग चेक करते हैं, अगर शॉर्ट नहीं है तो फिर आगे दूसरा फॉल्ट देखते हैं उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा इस मशीन का ही यूज़ कर देते हैं। क्या हो रहा है, इधर आउटपुट 3.6 वोल्ट है, कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पर ये एम्पियर का मीटर है, यहाँ पर ये वोल्टेज का मीटर है, तो अभी कोई लोड नहीं है इसलिए एम्पियर अभी 0.0 है। तो चलिए देखते हैं इसे, ये हमने सप्लाई जोड़ दिया, सप्लाई देने के बाद अब ऑन ऑफ स्विच प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने पे इसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है। आमतौर पे क्या होता है, किसी फ़ोन में सप्लाई देके ऑन ऑफ स्विच प्रेस करेंगे तो ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने पे क्या होता है, पावर आईसी ट्रिगर होता है, और ट्रिगर होगा तो वो सेकेंडरी सप्लाई आउट करेगा, जैसे फ्लैश आईसी, सीपीयू या अन्य भी बाकी जो एक्सेसरीज मतलब लगे हुए। इस वीडियो का मतलब हुआ ये हुआ कि इसका यूज सिर्फ ऑन और ऑफ करना नहीं बल्कि बहुत सारे मल्टीपल यूज है। बिल्कुल सर, इसका यूज जो है ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि फोन का बैटरी नहीं है तो बिना बैटरी के फोन ऑन करने का इसे बस जुगाड़ मानते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ बारीकियां है, अगर इसको अगर ध्यान दे इसमें तो बहुत सारा फॉल्ट भी आपको ये ढूंढ के देगा, मतलब आप क्षणिक में मालूम कर सकते हैं कि मोबाइल में क्या फॉल्ट है। अभी इसी की बात अगर करें, इसी सेट की, तो ये पावर देने के बाद भी ऑन ऑफ स्विच नहीं प्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव है या निगेटिव जो भी हो, या तो पावर का ट्रैक ओपन होगा पहला, दूसरा ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई नहीं बन रहा होगा, ये दो फॉल्ट। तो सबसे पहले पावर का ट्रैक देखेंगे बैटरी कनेक्टर को, वो अगर सही है तो ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई चेक करेंगे, शायद उसका ट्रैक मिस हो। अगर ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई भी सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्विच प्रेस करने के बाद आपका पावर आईसी ट्रिगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो पावर आईसी ड्राई है या खराब है, या उसके पास लगे कोई रजिस्टर या कॉइल वगैरह डैमेज होंगे। मतलब तो लमसम आप हार्डवेयर के बारे में भी पता कर सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली किधर से प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, काफी कुछ पता हो सकता है इससे, बस इसका सही सही यूज आना चाहिए। में एक दूसरा फोन है मेरे पास, नोकिया 1600। ठीक है, इसे हमने रिसीव किया है शॉर्टिंग के फॉल्ट में, तो ये फॉल्ट आप मीटर से भी फाइंड कर सकते हैं या इस पर भी जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ दिखाइए जरा, 3.6 वोल्ट पे हमने सेट किया है। ठीक है, प्लस माइनस सीधा देख के जोड़ते हैं, लीजिए जोड़ते ही ये सप्लाई चला गया यहाँ का, और ये 2 एम्पियर वाला बल्ब जल रहा है, आउटपुट सप्लाई बिल्कुल बंद हो गया। ये वाले मॉडल में क्या होता है कि इससे आउटपुट होने वाले सप्लाई में अगर कुछ शॉर्टिंग होता है, शॉर्ट होता है, तो इसका आउटपुट सप्लाई जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि ये फोन जो है शॉर्टिंग के फॉल्ट में है। सर, ये जो रेड कलर का जो लाइट आ रही थी थोड़ी देर पहले, ये इसीलिए आ रहा है ना कि ये 2 एम्पियर मैक्सिमम लोड पे चला गया। जैसे ये करेंट मशीन का जो आउटपुट है वो 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर लिखा हुआ है, 2 एम्पियर देता भी है। ठीक है,
अगर वो पूरी की पूरी सप्लाई शॉर्ट हो जाए तो इस पे जो लोड होगा वो फुल 2 एम्पियर का होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम आउटपुट ही 2 एम्पियर का है। तो ये बत्ती जल के ना इंडिकेट कर देता है कि भाई हम फुल लोड पे आ गए हैं और हमारा आउटपुट खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये लाइफ का एंड्रॉयड फोन है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में इसका टेस्टिंग करते हैं इस मशीन से। ये जो सेट हमने रिसीव किया है ये डेड फॉल्ट में रिसीव किया है। ठीक है, ये डेड का फॉल्ट है, इसमें सेट ऑन नहीं हो रहा है। ओके, इस मशीन से चेक करते हैं, इसमें देख लेते हैं बैटरी का प्लस माइनस किधर है। प्लस उधर माइनस बैटरी को दिखा दीजिए, सो खराब अब देखते हैं। देखिए ये सप्लाई हमने जोड़ दी, इसमें किसी भी तरह का कोई एम्पियर नहीं बढ़ रहा है। एक चीज ध्यान देंगे, कई बार मोबाइल में बैटरी ड्रेनिंग का फॉल्ट आता है। ठीक है, बैटरी ड्रेनिंग का फॉल्ट आता है मतलब कि बैटरी बैकअप जो है नहीं देता है। तो हम लोग ऐसा भी होता है कि कंफ्यूज रहते हैं कि मोबाइल में किस तरह का गड़बड़ी है, मोबाइल में शॉर्टिंग है या बैटरी गड़बड़ हो गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि मोबाइल में चेक किए तो किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, मोबाइल में किसी भी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं है, बैटरी चेंज भी कर देते हैं तो भी फोन प्रॉपर बैकअप नहीं देता है। उस केस में क्या करेंगे, इस मशीन का यूज करेंगे। पहले सीधा पावर दे देंगे, फोन को ऑन नहीं करेंगे, स्टैंड बाय में देखेंगे, सॉरी बिना ऑन किए हुए ही देखेंगे इसे कि कोई एम्पियर उठा रहा है क्या। ये कई बार ऐसा होता है कि मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही पावर देंगे ना तो ये कुछ एम्पियर जो है उठाते रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि फोन अगर आप ऑफ करके भी रख देते हैं तो भी आपका बैटरी ड्रेन करते रहेगा, या अगर वो फॉल्ट नहीं है तो आप फोन ऑन करके देखिए किस तरह का फोन है। उसी तरह का अगर कोई दूसरा फोन ऑन होते समय जितना एम्पियर का खपत करे, बात करते समय जितना एम्पियर का खपत करे, गाना प्ले करते समय जितने एम्पियर का खपत करे, ठीक है, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल सा फोन है, उसमें बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम है और जो यूजर है कस्टमर वो आपको बता रहा है इस फोन से जब सॉन्ग प्ले करते हैं ना, इस फोन से जब सॉन्ग तो वो, ठीक है, वो आपको बताएगा कि सॉन्ग प्ले करते समय ना मेरा बैटरी जल्दी जल्दी डाउन हो जाता है, ड्रेन कर जाता है। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, सॉन्ग प्ले कीजिए और उस समय देखिए कि एम्पियर का क्या स्टेटस है। अगर एम्पियर अधिक बढ़ रहा है इसका मतलब आपका ऑडियो एम्पलीफायर आईसी या उसी के सेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इस तरह से काफी कुछ फॉल्ट इससे पकड़ सकते हैं, जो फॉल्ट मल्टीमीटर से समझ में नहीं आता है उसे भी इससे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए लाइफ के फोन में थे, ये लाइफ का एंड्रॉयड फोन है, डेड है सेट, पावर क्लिप जोड़ दिए, किसी तरह का कोई हरकत नहीं है एम्पियर मीटर पे। अब क्या करते हैं, इसका ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं। ठीक है, इसका ऑन ऑफ स्विच ये रहा, प्रेस करते हैं। देखिए ऑन ऑफ स्विच प्रेस कर रहे हैं तो क्या देखिए, ये पावर बढ़ रहा है, एम्पियर का खपत बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई आ रही है। ठीक है, ऑन ऑफ स्विच दबाने पे पावर आईसी रिस्पॉन्स भी कर रहा है, यानी पावर आईसी ट्रिगर हो रहा है इसका, ये इस तरह से ऑन ऑफ स्विच दबाने पे ये ट्रिगर हो रहा है। ट्रिगर होने पे क्या होता है, ये सेकेंडरी सप्लाई आउटपुट करता है। ठीक है, जैसे फ्लैश आईसी, रैम, सीपीयू या बाकी जो भी एसेसरीज लगे हुए आईसी, उसको ये सप्लाई देना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर अगर हम लोग ये समझे तो पावर आईसी का स्थिति इसमें सही मान सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पावर स्विच जब तक दबाए हुए है तब तक ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, और फिर छोड़ने पे वापस अपने स्थिति में आ रहा है, तो इसे आमतौर पे सही कंडीशन मानेंगे, मतलब पावर सेक्शन सही है इसका। कई बार ऐसा होगा कि जैसे ही पावर स्विच दबाएंगे ना तो ये जो सप्लाई है ये बिल्कुल हाई होते चला जाएगा, और हाई होने के बाद पावर स्विच छोड़ भी देते हैं तो भी ये नीचे लो नहीं आता है। उस कंडीशन में या तो पावर आईसी आपका गड़बड़ है या पावर आईसी से जो सेकेंडरी सप्लाई आउट कर रहा है, देखेंगे नॉन पोलर कैपेसिटर लगे होते हैं पीएफ एनपीसी, कई बार वो शॉर्ट होते हैं सेकेंडरी सप्लाई वाले। होता क्या है कि जब हम लोग ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं ना तो पावर आईसी से सेकेंडरी सप्लाई आउट होती है, जो पावर आईसी ऑन ऑफ स्विच दबाने पे ट्रिगर होने के बाद होता है, और वो सेकेंडरी सप्लाई बाकी दूसरे आईसी में जाते हैं और उसे सप्लाई करके उसे ऑन करने का काम करते हैं।
तो अगर सेकेंडरी सप्लाई में भी शॉर्ट हो जाए, सेकेंडरी सप्लाई से जुड़ा हुआ एक नॉर्मल सा पीएफ भी शॉर्ट हो जाए एलपीजी, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही स्विच प्रेस करेंगे ये बिल्कुल हाई हो जाएगा, ठीक है, और फिर वापस छोड़ेंगे तो लो हो जाता है। तो इसका मतलब सेकेंडरी सप्लाई में कुछ शॉर्टिंग है। अगर जैसे ही स्विच प्रेस किए बिल्कुल हाई होकर अटक गया, ठीक है, उस कंडीशन में भी सेकेंडरी सप्लाई का शॉर्टिंग हो सकता है, या खुद पावर ऐसे भी फॉल्टी हो सकता है। अगर इस सेट की बात करें तो इसमें ठीक ठाक है, ट्रिगर हो रहा है और छोड़ने पे फिर आ रहा है, तो इसमें गड़बड़ी क्या हो सकता है, एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। गड़बड़ी ये हो सकता है कि पावर तो ठीक होगा, या तो सॉफ्टवेयर का इशू हो, ठीक है, या बाकी जो आईसी है, फ्लैश चिप वगैरह या जो प्रोसेसर की चिप है वो ड्राई सोल्ड या लूज हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर, जब आप इस पे सॉफ्टवेयर चढ़ाने जाइएगा, सॉफ्टवेयर करने जाइएगा, तो कनेक्ट नहीं होता है। बहुत बार माइनर फॉल्ट भी होगा। यूएसबी के लिए जो 4 पिने बनी हुई है, 5 पिन है, डाटा प्लस, डाटा माइनस, ग्राउंड और ये वीसीसी, तो ये सब का भी ट्रैक मिसिंग हो जाता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे। तो इस मशीन से काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।